दोस्तों मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हैंडल है जो कि स्टीयरिंग की तरह दिख रहा है, ये असल में स्टीयरिंग नहीं है। ये कोई दिशा बदलने के काम में नहीं आता। ट्रेन में इसका काम होता है नॉच लेना। नॉच को हम समझ सकते हैं आसान भाषा में कि जैसे हम अपने गाड़ी में गियर लेते हैं गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ट्रेन में नॉच लिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है इसे देखते हैं। इसे काम में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिवर्सर को सेट करना रहता है। मान लेते हैं कि ट्रेन को अभी आगे लेके जाना है, तो रिवर्सर को सेट करेंगे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मास्टर पावर कंट्रोलर। ट्रैक्शन लेने में इसका काम आता है, ब्रेकिंग लेने में इसका काम आता है। ट्रैक्शन कैसे लेते हैं, ट्रैक्शन होता क्या है? ट्रैक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि ट्रेन को खींचने में मदद करता है। तो ट्रैक्शन फोर्स देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट है इसको जीरो से लेकर एंड पे लेके आएंगे। ट्रैक्शन की दिशा में लेके आ गए। अब नॉचेस हम लोग लेंगे, मतलब कि गियर बढ़ाएंगे हम लोग। कैसे बढ़ाएंगे वो, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ाते चलेंगे हमारा गियर या नॉच बढ़ते चले जाएगा। तो फर्स्ट नॉच, सेकेंड नॉच, थर्ड नॉच, सिमिलरली घटे हैं। कैसे, थर्ड से सेकेंड आ गए, सेकेंड से फर्स्ट आ गए, फर्स्ट से ज़ीरो आ गए, है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेन में ट्रैक्टिव एफर्ट लेते हैं। इससे काम होता है नॉच लेना, ट्रैक्टिव एफर्ट देना, ना कि दिशा बदलना। धन्यवाद। चैनल से जुड़ रही है।